नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे राजयोग कारक राशि, राजयोग कारक लगन, कर्क लगन कर्क राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का परिवर्तन ब्रह्मांड में। राशि परिवर्तन नहीं, इसको बोलते हैं नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि राहु एक नक्षत्र में ही आप देखें ना तो बहुत दिन व्यतीत करते हैं, लगभग 8 महीने रहते हैं। ठीक है, 8 महीने के आसपास राहु महाराज एक नक्षत्र में रहते हैं, इसलिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत व्यापक असर देता है। और वह कलयुग में राहु ही राहु है मित्र, यत्र तत्र सर्वत्र राहु है। जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं, जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं, वो राहु ही तो है। राहु ही आपको शक्ति देता है कि जब लोग सो रहे हों, जब लोग आराम कर रहे हों, तब आप काम कर रहे हों, वो राहु की ही माया है। कलयुग में राहु आपको रंक से राजा बना सकता है, और अगर बिगड़ गया तो एक झटके में सिंहासन खींच लेता है, हैंड टू माउथ कर देता है, करोड़ों की संपदा शेयर मार्केट में लगा के जमीन में गाड़ देता है। अच्छा हुआ अचानक लॉटरी लगती है और आप जमीन से ऊपर तक का सफर तय करते हैं। राहु जा रहे हैं स्वर्गारोहण के नक्षत्र में, पॉइंट ये है। तो राहु इसलिए इम्पॉर्टेंट है मित्र कि राहु अगर अच्छे हुए तो आपको यत्र तत्र सर्वत्र सफलता मिलेगी। राहु अच्छे रहेंगे, आपका दिमाग बहुत फाइन चलेगा। शनि महाराज डिसिप्लिन कायम करते हैं, और राहु डिसिप्लिन को तोड़ के आगे काम बना ले जाने की क्षमता रखता है। आजकल आप कोई भी स्पोर्ट देखिए, नई नई तकनीकी आ गई है, मोबाइल में ही देखिए नई क्रांति, नई तकनीकी। आज से 20 साल पहले कोई सोच सकता था कि इस तरह का आदान प्रदान होगा? नहीं ना, आने वाले टाइम में और नई तकनीकी बढ़ेगी। कौन कर रहा है? राहु कर रहा है। इसलिए राहु को सदैव अच्छा रखिएगा। राहु अच्छा तो खुश रहो बच्चा, राहु चंगा तो हर जगह गंगा गंगा। ठीक है, राहु आपके बर्थ चार्ट पे जो चल रहे हैं वो मुक्ति के घर में चल रहे हैं। जो आपके बर्थ चार्ट में तीनों मुक्ति का केंद्र है ना, वहाँ पे राहु महाराज विराजमान है। द्वादश भाव में आर्द्रा के रूप में विराजमान है, सुख के घर में स्वाति के रूप में विराजमान है, और अष्टम भाव में शतभिषा नक्षत्र के रूप में विराजमान है। तो तीनों जो मुक्ति का केंद्र है वो राहु के अधीन है। राहु भी मुक्ति देता है क्या? यस, मुक्ति देता है भाई। जब राहु को पता चला कि देवता छल कर रहे हैं, अमृत नहीं देंगे, लाइन में जाके खड़ा हुआ, अमृत पी लिया। बाद में भगवान विष्णु ने चक्र से अलग कर दिया, मुक्ति ही तो हो गया ना, एक पार्ट से मुक्ति हो गया परेशानी। उसके बाद यहाँ पे आपको परेशानियों से मुक्त करेंगे राहु। कहाँ से? परेशानियों से। कैसे परेशानी से? बेवजह के खर्च, बेवजह के भ्रमण, घर में आ रहे बेवजह के अवरोध, बेवजह की परेशानियाँ, घर में बन रहे बेवजह के तनाव। ठीक है, वाहन या आवासीय संबंधी जो अवरोध आ रहे थे उसमें जो रुकावटें थी उसको ठीक करेंगे। साथ में ससुराल से संबंधों को ठीक करेंगे, जीवन साथी की वाणी पे कंट्रोल लगाएंगे, बोलेंगे ठीक रुक जाओ। आपके लिए जो बेहतर परिणाम देगा वो क्यों देगा? पॉइंट ये है, देखो राहु जो है ना आपकी अभी चल रहे थे कुंडली में बुध के नक्षत्र में, जिसका नाम है रेवती नक्षत्र। कर्क लगन की कुंडली में बुध व्यात्मक होते हैं, बुध खर्च के स्वामी होते हैं, बुध एक्स्ट्रा मेहनत करवाते हैं लेकिन उतना लाभ आपको नहीं देते। तो यहाँ पे आप भाई जितना मेहनत करोगे ना उतना लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी ये शनि के नक्षत्र में आ गए हैं। शनि आपकी कुंडली में क्या है? व्यवसाय के कारक हैं। आपकी कुंडली में शनि व्यवसाय कराने वाले हैं, तो ये व्यवसाय आपको कराएंगे। साथ में गुप्त चीज़ों को लेके चलने वाले हैं, ठीक है ना, गुप्त चीज़ें भी आपके साथ रहेंगे, गुप्त परेशानियों को आप खत्म कर देंगे। जा रहे हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तर भाद्रपद क्या कहता है? शुभता वाला नक्षत्र है, इसको बोलते हैं शुभ पावों वाला नक्षत्र। ये मंच का अंतिम दो पाया है, इसको स्वर्गारोहण का नक्षत्र बोलते हैं। स्वर्गारोहण का मतलब परेशानियों को खत्म करके जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति आप बढ़ चलें, उसको बोलते हैं स्वर्गारोहण। अढ़ाई कुंडली का सर्प है, कब कहाँ क्या चल देगा ना पता नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ राहु को ठीक रखना। राहु को अच्छा रखोगे आप बेहतर करोगे, राहु अगर खराब हो गया देन आपको प्रॉब्लम आएगी। यह ज्ञान वैराग्य का प्रतीक नक्षत्र है, ऊर्जा का शिखर स्तंभ है। देवता इसके अतिरिक्त
अहिर्बुधन्य हैं और ये सपोर्ट करने वाले हैं, पृथ्वी को सपोर्ट करने वाले हैं। इनका आधा पार्ट सर्प का है, आधा पार्ट मनुष्य का है। और राहु भी क्या है, वो देवता है। देवता तो नहीं, राक्षस ग्रुप का ग्रह, लेकिन देवता बन के प्रसाद ग्रहण करता है, देवता बन के हवन कराता है, क्योंकि भगवान विष्णु के चक्र से सृजन हुआ है। और सभी ग्रहों की एनर्जी को शांत करने के लिए, भाई अहम हुआ सूर्य को, मेरे से तेजस्वी कोई नहीं, गुरु को मेरे से ज़्यादा ज्ञान कोई नहीं, बुध को मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं, शुक्र को मेरे सुंदर कोई नहीं, राहु ने कहा मैं बताता हूँ। ग्रहण योग, अंगारक योग, चंडाल योग, अभोकत योग, जड़त योग, सारे योग बना के सबको डाउन कर दिया। तो अहंकार जब भी आएगा, राहु आगे बढ़ेगा और अहंकार को खत्म करेगा। यह समुद्र शरीखा गंभीर नक्षत्र, इसलिए आपके अंदर गंभीरता आएगी। धैर्यशाली है, मर्यादा का पालन करने वाला है, अनेक गुणों की निधि को लेकर चलने वाला यह नक्षत्र है। विचलित नहीं होता, आर्थिक मामलों में निश्चित रूप से समृद्धि देता है। महंगे उपहार, वसीयत, भू संपदा और सबसे खास बात धन प्रबंधन में आपको विशेष लाभ देगा। तो राहु यदि आपके अच्छे हैं, पहले अपने बर्थ चार्ट को चेक कर लीजिए। राहु आपके शनि के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में श्रेष्ठ फल देंगे, अपने ही नक्षत्र में तो भी श्रेष्ठ फल देंगे। राहु महाराज श्रेष्ठता में क्या देंगे, पहले तो आपके व्यर्थ के खर्चों को रोक देंगे, व्यर्थ के भ्रमण को रोक देंगे। आवासीय सुख में जो परेशानी आ रही है उसको ठीक करेंगे, माता की सेहत को ठीक करेंगे। ससुराल से संबंधों में जो गिरावट आ गई थी, ससुराल से संबंध खराब हो गए थे, उन संबंधों को ठीक करेंगे। जीवन साथी की जो वाणी जो है, वीणा ना बन के बाण बनी थी, हर जगह आपकी बात को काटना शुरू कर दिए थे, उस कटिंग में थोड़ी से आराम आएगा, थोड़ा सा शांति आएगी। अपने राहु को अच्छा रखिए, अच्छा रखने का मतलब गोमे तो पहन लीजिए, मैं नहीं बोलता, पहले बर्थ चार्ट में चेक करिए राहु बैठे कहाँ है। तो राहु का अच्छा करने का सिंपल सा उपाय है जपात सिद्धि, जप करिए। वर्तमान में गुप्त नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि की आपको मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। राहु महाराज आदिशक्ति जगदम्बा के शरण में जाने से बिल्कुल शांत आज्ञाकारी बच्चा हो जाता है। राहु आज्ञाकारी बच्चा नहीं है, राहु दीवाल के उस पार देखने की क्षमता देता है भाई, इसलिए आज्ञाकारी कहाँ से रहेगा। लेकिन जगदम्बा के शरण में रहेंगे तो राहु बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चा हो जाएगा। ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रह्म सा राहवे नमः, ठीक। राहु का जाप करिए, राहु के लिए राहु की चीज़ों का दान करिए। कुत्तों को ब्रेड रोटी रोटी वगैरह खिलाते चलिए, कुत्ते टाइप लोगों को भी चाहिए तो कुछ खिला दीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप अपने घर में जो कबाड़ वगैरह इकट्ठा करके रखे हो मत रखना, कुछ इलेक्ट्रिक आइटम खराब है तो उसको चेंज कर लो, ठीक ठाक साफ सुथरा रखो। बहुत ज़्यादा तार वार घुमा के या पता लगा, बहुत लोगों को मैंने देखा अपना चार्जर लेते हैं उसको फोल्ड करके, नहीं इतना फोल्ड मत करो, ज़िंदगी फोल्ड हो जाएगी दोस्त, सिंपल रहने दो, ज़िंदगी भी सिंपल जाएगी। जूते चप्पल टूटे फूटे हैं, बाथरूम गंदा करने की आदत है, प्लीज़ चेक करिए, छोड़ दीजिए, बेहतर होगा। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। राधे राधे।